लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए काशी नरेश, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं, आइए। काशी नरेश, अब तुम इस पवन पावन सरयू नदी के जल में खड़े होकर तब तक प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते रहो जब तक प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा न कर दे। जो आ गया बजरंग बली, काशी नरेश, अब आप मेरे साथ प्रभु श्री राम के नाम का जाप कीजिए। बोलिए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोलते रहिए काशी नरेश, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। हनुमान, हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है हनुमान, तुम सुमेरु से इतना शीघ्र कैसे लौट आए? भैया, एक ऐसा आवश्यक कार्य आन पड़ा जिसके कारण मुझे शीघ्र अयोध्या लौटना पड़ा। कैसा आवश्यक कार्य? भैया, वो तो मैं कार्य संपन्न होने के पश्चात ही आपको बताऊंगा। यदि मुझे शीघ्र अति शीघ्र प्रभु श्री राम के दर्शन ना हुए तो अनर्थ हो सकता है। कैसा अनर्थ हनुमान? क्षमा कीजिए भैया, मैंने आपसे कहा ना, वो तो मैं कार्य संपन्न होने के पश्चात ही बताऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं मां मंत्री सुमंत, काशी नरेश जहां भी हो जैसे भी हो उन्हें ढूंढना ही होगा। अतिथि गृह से इस प्रकार भागकर उन्होंने यह बात सिद्ध कर दी है कि वो अपराधी हैं।
और अब तो उन्होंने वहां से भागकर अपना दूसरा अपराध भी सिद्ध कर दिया है। परंतु महाराज, हमारे सैनिक चारों ओर से लौट चुके हैं, उनका कहीं पता नहीं है। महामंत्री सुमंत, आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने अपने गुरुदेव को यह वचन दिया है कि आज सूर्यास्त से पूर्व हम उस दुष्ट को अवश्य दंडित करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए। नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए। आपके वचन की लाज के लिए हम मर मिटेंगे। महामंत्री सुमंत, पुनः हमारे सैनिकों को आसपास के प्रदेश में भेजिए। काशी नरेश अवश्य मिल जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। हनुमान प्रभु, अब आप मुझसे यह मत पूछिएगा कि मैं इतनी शीघ्र अयोध्या कैसे लौटाया। नहीं पूछूंगा हनुमान, तुम्हारी भक्ति की शक्ति तुम्हें मुझसे अधिक देर तक दूर नहीं रख सकती। यह बात मैं भली भांति जानता हूं हनुमान। प्रभु, इस समय मैं आपके पास एक वरदान की याचना लेकर आया हूं। वरदान? हनुमान, आज तक तुमने हमसे किसी भी वरदान की याचना नहीं की। हम तो सदा यही चाहते रहे कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। बोलो हनुमान, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो प्रभु, मुझे वचन दीजिए कि आज मैं आपसे जो भी मांगू वो आप मुझे अवश्य देंगे। हनुमान, राम भक्त हनुमान राम से कुछ मांगे और राम उसे ना दे, ये भला कैसे संभव है? तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में जो कोई भी आपका नाम जपे उसकी मैं रक्षा कर सकूं। आपका नाम जपने वाले पर कभी कोई प्रहार ना हो। यदि सर्वशक्तिमान भी उस पर प्रहार करें तो उनका प्रहार भी व्यर्थ हो जाए। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ऐसा ही होगा हनुमान। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपकी जय हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान जी, बजरंग बली, हनुमान जी, हे बजरंग बली, बजरंग बली, क्या क्या श्री राम ने मुझे क्षमा कर दिया? काशी नरेश सौभद्र, जब तक मैं ना कहूं तुम इसी प्रकार श्री राम का नाम जपते रहो। प्रभु श्री राम को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है और मुझे भी। बजरंग बली, क्या श्री राम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे? काशी नरेश, आप इस प्रकार डरिए नहीं। डरूं कैसे नहीं बजरंग बली, जब श्री राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? काशी नरेश, क्या आपको मेरी माता अंजना के वचन पर शंका है या रुद्र अवतार हनुमान की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं? विश्वास है बजरंग बली, परंतु श्री राम तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, भला उनकी प्रतिज्ञा में बाधा कौन डाल सकता है? काशी नरेश, देखो तुमने श्री राम का जाप रोक दिया ना, यदि तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? हे बजरंग बली, मैंने केवल भयवश ऐसा किया। किंतु काशी नरेश, अब भय ना करो, क्योंकि अब स्वयं मैं यहां हूं। शीघ्र जाकर श्री राम का जाप करो। जैसी आज्ञा। शीघ्र जाओ। और काशी नरेश, अब श्री राम के स्थान पर सिया राम के नाम का जाप करो। मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठकर जाप करता हूं। मेरे साथ बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। महाराज, ब्रह्मऋषि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आने दीजिए। राम, लगता है आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करना चाहते। क्षमा कीजिए, आपने ऐसा क्यों सोचा गुरुदेव? राम का वचन और राम का बाण अपने लक्ष्य पर अचूक पहुंचते हैं। आपको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए थी। नहीं राम, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि काशी नरेश सरयू नदी के जल में खड़े होकर आपका नाम जप रहे हैं, और आप तो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं। अपना नाम लेने वाले को आप अवश्य क्षमा कर देंगे। इस तरह आपकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी और मेरा अपमान करने वाले की प्राण रक्षा हो जाएगी। गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो आप स्वयं हमारे साथ चलकर देखिए कि हम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं या नहीं। आइए। जय सियाराम, 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 जय सी। हे बजरंग बली, सियाराम का नाम जपते जपते मैं बहुत थक गया हूँ। बजरंग बली, मुझे उत्साह का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं अपनी शक्तियां खो रहा हूं। मैं अपने को संभाल नहीं पाऊंगा बजरंग बली। नहीं काशी नरेश, नहीं, अपने आप को संभालिए। मैं बहुत थक रहा हूं। नहीं काशी नरेश, थकान का अनुभव ना कीजिए। यदि सियाराम का नाम जपते रहने के कारण आपको निराशा घेरने लगे तो फिर आपकी रक्षा कौन कर पाएगा? फिर मैं क्या करूं बजरंग बली? काशी नरेश, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ सियाराम के नाम का जाप कीजिए। उत्साह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। काशी नरेश, सियाराम के जाप में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। काशी नरेश, परीक्षा की घड़ी निकट आ गई है। सियाराम का जाप शुरू कीजिए। काशी नरेश, सियाराम का जाप शीघ्र शुरू कीजिए। मैं बहुत थक रहा हूं बजरंग बली। काशी नरेश, मैं भी तुम्हारे साथ सियाराम के नाम का जाप करता हूं। जय सियाराम, 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 जय सियाराम। देख लीजिए राम, मेरा अपमान करने वाला यहाँ आपका नाम लेकर सुरक्षित है, जिसकी रक्षा आप ही के भक्त हनुमान कर रहे हैं। जय सियाराम, जय सियाराम। हनुमान, जय सियाराम, जय सियाराम। हाँ प्रभु, अपनी माता को दिए हुए वचन और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए ही मैं यहाँ बैठा हूँ। अयोध्यापति, अब सूर्यास्त होने में और अधिक देर नहीं है। यदि आप प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते हैं तो चलाइए बाण। जय सियाराम, जय सियाराम। हम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेंगे गुरुदेव। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय।
जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। जय सियाराम, जय श्री राम, जय सियाराम। प्रभु, इस समय मैं काशी नरेश सौभद्र की रक्षा कर रहा हूँ। जय सियाराम। और आपका नाम जपने वाले जिस व्यक्ति की रक्षा मैं करूंगा, जय सियाराम, उसे संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं मार पाएगी। ऐसा वरदान मुझे आप ही ने दिया था। तुम चले जाओ हनुमान, हमें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने दो। नहीं प्रभु, ये मेरी माता को दिए वचन का अपमान होगा। परंतु राम की प्रतिज्ञा भी अधूरी नहीं रह सकती हनुमान। प्रभु, यदि आपकी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं रह सकती तो फिर आपके वरदान का क्या होगा? प्रभु, आपके वरदान का क्या होगा? काशी नरेश, आप सियाराम के नाम का जाप करते रहिए। जय सियाराम, 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 जय सियाराम। आप धन्य हैं प्रभु, आप सचमुच धन्य हैं। आपने अपना वरदान व्यर्थ नहीं जाने दिया, आप धन्य हैं। काशी नरेश, आप सियाराम के नाम का जाप करते रहिए। जय सियाराम, 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 जय सियाराम। नहीं प्रभु, नहीं, नहीं, नहीं। राम बाण व्यर्थ ना जाने दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। प्रतिज्ञा और वरदान के इस संघर्ष में आपके दिए वरदान की ही विजय होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम हट जाओ हनुमान। नहीं, हम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेंगे। नहीं राम, रुक जाइए। मैं राम बाण को इस प्रकार व्यर्थ नहीं होने दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो राम बाण का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, मैं भी नहीं चाहता कि प्रभु का बाण व्यर्थ हो। इसीलिए हम तीनों की प्रतिज्ञा पूर्ति का केवल और केवल एक ही उपाय है। वो क्या? क्षमा। क्षमा? हाँ ऋषिवर, क्षमा। आप तो परम ज्ञानी हैं, महान हैं, कृपालु हैं। आपको अपने क्रोध पर संयम रखने का वरदान प्राप्त है। आप काशी नरेश सौभद्र को हृदय से क्षमा करते। हाँ ऋषिवर, काशी नरेश ऋषिवर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हैं, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। जाइए काशी नरेश, जाइए, विलंब ना कीजिए, जाइए। क्षमा, क्षमा कर दीजिए ब्रह्म ऋषि, क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया था। उठो काशी नरेश,
मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं भगवान और भक्त के बीच संघर्ष नहीं चाहता। राम, मैंने ही तुमसे काशी नरेश के लिए प्राण दंड का वचन लिया था, अब मैं इसी समय तुम्हें इस वचन से मुक्त करता हूं। पर प्रत्यंचा पे चढ़ाया हुआ वाण कभी वापस नहीं लिया जाता, इसीलिए इसे आकाश में विलीन कर दो। जय श्री राम। प्रभु, मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। मैंने काशी नरेश सौभद्र की रक्षा के लिए ही आपसे यह वरदान मांगा था, परंतु हनुमान, वो वरदान तो अमर हो गया। अब जब भी मेरा नाम जपने वाले की तुम रक्षा करोगे तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। इससे पूर्व मुझे क्षमा कर दीजिए, इस पूरी घटना के जड़ में मैं हूँ। हनुमान की शिथिलता तोड़ने के लिए काशी नरेश सौभद्र को महर्षि विश्वामित्रा की अपेक्षा के लिए मैंने ही प्रेरित किया था। देवर्षि आप? हाँ प्रभु, ऐसा करने से भगवान और भक्त आमने सामने आ गए और मेरा कार्य पूर्ण हुआ। परंतु देवर्षि। परंतु मेरे इस कार्य से यदि किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग धन्य हैं, आप लोगों ने माता सीता को साक्षात इस मूर्ति में प्रकट कर दिया। एक बात बताइए, माता सीता के यहां ना होने पर भी आपने आपने इस मूर्ति की प्रति रचना कैसे की? सीता राम तो हर अयोध्या वासियों के हृदय में है हनुमान जी। किंतु भैया, हृदय में मूर्ति बसाना और बात है, और मूर्ति में साक्षात व्यक्ति को मूर्तिमान करना और बात है। मैं चकित हूं, आप लोगों ने यह चमत्कार कैसे कर दिया? बस श्री राम और सीता मैया की कृपा ही समझ लीजिए। जय श्री राम। आप लोग अपना कार्य पूर्ण कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हनुमान। प्रभु, क्या आपको नहीं लगता कि माता सीता की मूर्ति यज्ञ भूमि में स्थापित करके आप अपने आप को भी भ्रमित कर रहे हैं?
भ्रम भी जीवन का एक अंग है हनुमान, और कभी कभी इस भ्रम में जीना भी आवश्यक हो जाता है। परंतु प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब माता सीता स्वयं यहां उपस्थित हो सकती हैं, तो फिर इस भ्रम की क्या आवश्यकता है? हनुमान, तुम इस प्रश्न का उत्तर भलीभांति जानते हो। प्रभु प्रभु मेरी बात सुनिए, प्रभु प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रभु, मेरे हृदय में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्रभु। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए प्रभु। हम जानते हैं हनुमान कि तुम्हारा मन देवी सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। तनिक ठंडे मन से विचार करके देखो, यदि तुम हमारी स्थिति में होते तो तुम भी वही करते जो हमने किया। नहीं प्रभु, नहीं, मुझे क्षमा करना प्रभु, परंतु मैं आपकी यह बात कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। प्रभु, आप माता सीता का त्याग करके एक बार उनके साथ अन्याय कर चुके हैं, अब उनके स्थान पर यज्ञ में इस मूर्ति को रखकर पुनः उनके साथ अन्याय ना कीजिए प्रभु, पुनः उनके साथ अन्याय ना कीजिए। तुम्हें यह सब कहने का अधिकार है हनुमान, परंतु यदि हम चाहें भी तो देवी सीता को यहां नहीं ला सकते, और यदि हम उन्हें बुलाए भी तो वे यहां अयोध्या में उपस्थित नहीं होंगी। प्रभु, यही तो मैं कह रहा हूं प्रभु, यही तो मैं भी कह रहा हूं प्रभु, कि माता सीता स्वयं यहां उपस्थित नहीं होंगी। मुझे जाना पड़ेगा उनके पास, उन्हें यहां लाने के लिए। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता सीता के पास जाकर उन्हें यहां लिवा लाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, यदि तुम अपने मन की संतुष्टि के लिए देवी सीता के पास जाना चाहते हो तो जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, परंतु। प्रभु, अब किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है, अब किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है, मैं माता सीता को यहां लाऊंगा। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। नहीं हनुमान, ये संभव नहीं है। अब तो यही वाल्मीकि आश्रम मेरा स्थायी आवास है, यही मेरे पुत्रों ने जन्म लिया और यही मेरी कहानी समाप्त हो गई। नहीं माता, ऐसा न कहिए। प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम तो अमर है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता।
सीताराम का नाम तो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है हनुमान। तुम्हें अमरता का वरदान सीताराम ही नहीं विधाता ब्रह्मा जी भी दे चुके हैं। माता, जब तक मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता पृथक हैं, तो मेरे अमरता के वरदान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए माता, मेरी विनती स्वीकार कीजिए और मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए। असंभव को संभव करने का असफल प्रयास तुम मत करो हनुमान। अब मेरा अयोध्या लौटना असंभव है। जिस प्रकार सूर्य पश्चिम दिशा में उदित नहीं हो सकता, उसी प्रकार परीक्षिता सीता अपने अयोध्या नहीं लौट सकती। तुम भी उस विचार को त्याग दो जो बार बार तुम्हें उद्विग्न कर रहा है। माता, प्रभु श्री राम को आप मुझसे कहीं अधिक जानती हैं। आप भली भांति जानती हैं कि प्रभु श्री राम कितने एकाकी हैं। और माता, मैं यहां प्रभु श्री राम की अनुमति लेकर आया हूं। मैं जानती हूं हनुमान, इतने लंबे समय तक श्री राम की अनुमति ना मिलने के कारण ही तुम अपने आप को यहां आने से रोकते रहे। इसलिए मुझे तुम्हारी ध्यान अवस्था में मिलने के लिए विवश होना पड़ा। तुम्हारी भक्ति भावना को मैं नमन करती हूँ। तुम जैसा सच्चा भक्त इस संसार में दुर्लभ है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा में बंधी हूँ। मैं ये प्रतिज्ञा कैसे तोड़ूं? हनुमान, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, अब ये फिर कह रही हूँ कि तुम मेरे लिए दुख ना करो। मैं यहाँ सुखी हूँ। अपने तेजस्वी पुत्रों को देखकर मैं अपना सारा दुख भूल जाती हूँ। माता, मैं आपकी व्यथा का भली भांति अनुभव कर रहा हूँ, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। करुणा निधान श्री राम की करुणा कहां चली गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माता, कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तुम दुखित मत हो हनुमान, मैं अपने स्वामी की व्यवस्था को भली भांति जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा त्याग करने के पीछे मेरे स्वामी का क्या उद्देश्य था, परंतु इतना अवश्य है कि इतना बड़ा निष्ठुर निर्णय निरुद्देश्य नहीं हो सकता। आप सत्य कह रही हैं माता, आपका प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द सत्य है, परंतु इस घोर विवशता का अंत कब होगा माता? वहां प्रभु श्री राम आपका त्याग करने के लिए विवश हैं, आप अयोध्या ना आने के लिए विवश हैं, और मैं तुम्हारी विवशता का मुझे ज्ञान है हनुमान। एक पुत्र की विवशता को माता से अधिक और कौन जान सकता है? अब आगे कुछ न कहना, आगे जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसे ना मैं बदल सकती और ना ही तुम और ना ही मेरे स्वामी श्री राम। हो सकता है माता, आप सत्य कह रही हो, परंतु मैं तो अपनी विवशता से बाध्य होकर आपको अयोध्या ले जाने का असफल प्रयास कर रहा था। मुझे क्षमा कर देना माता, मुझे क्षमा कर देना। हनुमान, क्या तुम अपने दोनों लघु भ्राताओं से मिलकर नहीं जाओगे? वो तुमसे मिलने के लिए व्यग्र हो रहे हैं। यदि तुम उनसे मिलकर नहीं जाओगे? नहीं माता, मैं उन्हें अवश्य मिलकर जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए माता। जय श्री राम।
बहुत अच्छा लग रहा है ना भैया? हाँ भैया बहुत अच्छा लग रहा है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तुमने हमारे सारे सपने सच कर दिए हनुमान। हमने रामायण में तुम्हारे बारे में जितना जाना, तुम उससे कहीं अधिक महान हो हनुमान। ये सब तो प्रभु श्री राम की कृपा और माता सीता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैं भी आज तुम दोनों के साथ गगन विहार करने में अत्यंत प्रसन्न हूँ। गगन में उड़ने की कला तुमने कहाँ से सीखी हनुमान? अपने पालक पिता पवन देव के आशीर्वाद से मैं जन्म लेते ही आकाश में उड़ने लगा था। एक बार तो मैं उड़ते उड़ते सूर्य लोग पहुँच गया था। हाँ ये कथा तो हमने रामायण में पढ़ी है। क्यों भैया? हाँ जब इंद्र ने तुम्हारे अनु पर वज्र प्रहार किया तब तुम हनुमान बने है ना? और तब ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं ने तुम्हें अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। तुम महान हो हनुमान, तुम सचमुच महान हो। जय हनुमान। नहीं लवकुश, महान तो तुम लोग हो। महान है तुम्हें जन्म देने वाली माता सीता और महान है मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो हनुमान, हनुमान क्षमा के पात्र तुम नहीं, मैं हूं। मैंने जानबूझकर तुम्हें निराशा की स्थिति में ढकेला। मैं ये भली भांति जानता था कि स्वाभिमानी सीता बिना मेरे गए अयोध्या वापस नहीं लौटेंगी, परंतु ये सब जानते हुए भी मैंने तुम्हें रोका नहीं। नहीं प्रभु, इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है। भावनाओं के प्रवाह में मैं ये भूल गया था कि कुछ मर्यादाएं ऐसी होती हैं जिन्हें जिन्हें तोड़ना संभव नहीं होता। मैंने असंभव को संभव करने का प्रयास किया प्रभु, मैंने असंभव को संभव करने का प्रयास किया। असंभव और असंभव की गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया हनुमान, कोई नहीं। प्रभु परंतु मेरा वहां जाना व्यर्थ नहीं क्या? मुझे माता सीता के दर्शन का लाभ तो मिला, साथ साथ आपके दोनों लल्लाओं लवकुश से भी भेंट हुई। हाँ प्रभु, मैंने उनके साथ गगन विहार भी किया। बहुत ही सुंदर, प्रतिभाशाली और तेजस्वी हैं अयोध्या के दोनों राजकुमार। मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, एक बार उन्हें देखने से तो मन भरता ही नहीं। हनुमान। हाँ प्रभु। इस समय मैं उन्हें तुम्हारी आंखों से देख रहा हूं। प्रभु निकट भविष्य में आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देख सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। गए
सिया प्रवीणा गुरु आज्ञा से राम ने शिव का धनुष हाथ में लीना सहज भाव से पलक झपक से कर दीना बोला राम चंद्र की जय बोला राम चंद्र की जय वचन यूं बोले ऐसे कितनी ही धनुइया हम तोड़ चुके बचपन में फिर धनुष भंग होने पर क्यों इतने क्रोधित मन में लक्ष्मण जी के वचन सुनकर क्रोधाग्नि और भी भड़कने लगे Hey!
परीक्षित हुए रघुराई, खग मृग तरु से पूछे कहाँ सीता, भूल गए प्रभुताई। Thank you.
कथा, बड़ी पुण्य कथा, देवों में देवोत्तम श्री राम, देवों में देवोत्तम श्री राम, पुरुषों में पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में पुरुषोत्तम श्री राम, वीरों में वीरोत्तम श्री राम, वीरों में वीरोत्तम श्री राम, सर्वों पर सर्वोत्तम श्री राम, सर्वोत्तम श्री राम, ओ राम कथा हम वर्णन करते राम कथा।